नमस्कार, आई एम मनीषा एंड वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वेल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आई हूँ वास्तु के कुछ टिप्स लेकर के, और आज की वीडियो भी जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन्हें घर में कौन से प्लांट्स रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, इसके ऊपर मैं उन्हें कुछ टिप्स दूँ और कौन से प्लांट्स नहीं रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो प्लांट्स के ऊपर है कि घर में हमें कौन से प्लांट रखने चाहिए और कौन से नहीं रखने चाहिए। तो सबसे पहला नाम आता है घर में प्लांट रखने के लिस्ट में जो है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट सबको पता है कि जो है ये घर के ऑनर को जो है प्रॉस्पेरिटी देता है, साथ साथ हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से वो भरता है। जो भी उस घर के ऑनर हैं उन्हें वो सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल करवाता है, अगर वो वास्तु के हिसाब से सही डायरेक्शन में है। अगर मनी प्लांट की दिशा सही डायरेक्शन में है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में जो है बरकत भी आएगी और आप जो है पॉजिटिविटी से भी भरेंगे। तो वास्तु के हिसाब से मनी प्लांट को जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, साउथ ईस्ट दिशा में लगा सकते हैं। और इसकी दिशा फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रहे कि ये जो है ऊपर जाने की है, मतलब कि कहते हैं ना कि मनी प्लांट जो है वो ऊपर जाने वाला प्लांट है। तो अगर वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो दोष देगा, वास्तु दोष होगा उसका। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि हमेशा जो उसकी डायरेक्शन है वो ऊपर होनी चाहिए, और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो प्रॉपर तरीके से रखें। और अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो इसे आप वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा नाम आता है तुलसी जी का। जी हाँ, तुलसी जी जो हैं आपको पता है कि उन्हें जो है हर्ब्स की रानी कहा जाता है, यानी कि जितने भी जड़ी बूटियां हैं इस पृथ्वी पर उनमें उनको रानी की उपाधि दी गई है। तो माँ तुलसी का जो पौधा है वो खुले में होना चाहिए और उसकी जो दिशा है वो नॉर्थ होनी चाहिए, ईस्ट होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट दिशा में लगा सकते हैं तो इसका जो आपका बेनिफिट है आपको पूरी तरीके से मिलेगा। तो ध्यान दें कि तुलसी जी को सही दिशा में लगाएंगे तो उसका आपको उसकी जो पॉजिटिविटी है उसका फल आपको तभी मिलेगा। तो और उन्हें हमेशा हमें आंगन में और खुली जगह में ही लगाना है, तो इससे जो क्या है जो एनवायरनमेंट की जो नेगेटिविटी है वो भी जो है वो कम होगी और वो बैलेंस होती रहेगी। तो दूसरा नाम मनी प्लांट के बाद दूसरा नाम आता है माँ तुलसी का, कि आप तुलसी जी के भी पौधे को घर के अंदर लगा सकते हैं। तीसरा प्लांट है एलोवेरा। एलोवेरा को आप पता है कि वो ब्यूटी हर्ब्स में आता है, कि उससे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी बहुत होते हैं और वो बेनिफिट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, अमृत के समान है एलोवेरा का जो जेल है वो लेना। तो तीसरा प्लांट आप घर के अंदर लगा सकते हैं वो है एलोवेरा का, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वास्तु के अकॉर्डिंग भी। वास्तु में एलोवेरा को एक बेस्ट हेल्थ रेमेडीज़ के रूप में रखा जाता है और वो पॉजिटिविटी को भी लेकर आता है। हेल्थ अगर आपके घर में आएगी तो वो पॉजिटिविटी को लाएगी, अच्छी चीज़ें आएंगी। तो इसलिए अगर आपको कोई प्लांट और लगाना है तो आप जो है एलोवेरा को भी अपने घर में जगह दे सकते हैं। और इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को जो है वास्तु का बोन कहा जाता है, यानी कि कहते हैं ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेड़ है घर के अंदर अगर लगाने वाला इंडोर प्लांट्स के अंदर, तो वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को भी आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, ये भी हमें जो है पॉजिटिविटी को लेकर के आता है और इस ये जहाँ भी रहता है उस घर में जो है प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी जो है वो दोनों आती है। तो आप स्नेक प्लांट को भी अपने घर के अंदर जो है स्थान दे सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स लिली। लिली का पौधा जो है वो फ्रेग्रेंस वाला पौधा है, तो और फ्रेग्रेंस क्या लाएगा अपने साथ, पॉजिटिविटी लाता है। तो पॉजिटिविटी जब आपके घर के अंदर आएगी तो आपके अंदर सकारात्मकता भरेगी, पूरे घर में जो है खुशनुमा माहौल रहेगा। तो आप लिली के पौधे को भी अपने घर के अंदर स्थान दे सकते हैं, तो उसे भी आप लगाएँ और घर के अंदर अच्छा सा माहौल बना करके रखें। अब इन सब के बाद फ्रेंड्स नाम आता है बनाना का। बनाना ट्री जो होता है आपको पता है कि उसे पूजा करने में भी काम आता है, और ऐसा माना जाता है कि बनाना के जो ट्री है यानी कि केले के पेड़ पे जो है विष्णु भगवान का वास है, क्योंकि जब हम बृहस्पतिवार का कोई व्रत करता है तो उसे जो है वो बनाना के ही ट्री की ज़रूरत होती है। लेकिन ये भी ध्यान दें कि बनाना का ट्री जो है वो घर के सामने ना हो और उस पर फल लगा हुआ ना हो।
तो वो दोष देगा वास्तु के हिसाब से। अगर उसका छोटा पौधा है, पूजा करने लायक है, तो उसे आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख करके पूजा कर सकते हैं, तो इसका कोई दोष नहीं है। और भगवान विष्णु की भी जो कृपा दृष्टि है उस घर पे रहने वाले लोगों पे बनी होती है। तो अगर आपके घर में केले का पेड़ है, बड़ा है, तो वो दोषपूर्ण होगा अगर आपके फ्रंट में पड़ता है तो। अगर छोटा है, पूजा करने लायक है, तो आप उसे कहीं छत पे रख सकते हैं, और अपने घर के सामने का जो गार्डन एरिया है उसमें आप लगा के रख सकते हैं, उसे आप इंडोर में नहीं रख सकते हैं। इसके बाद नाम आता है फ्रेंड्स बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कहते हैं ना कि बेनिफिशियल, हेल्थ बेनिफिशियल, या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला जो पौधा है वो है बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट जो है वो हमारे घर में सुख समृद्धि को लेकर के आता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं किसी फेस्टिवल पे, दिवाली है या फिर ऐसे किसी फेस्टिवल पे, लोग एक दूसरे को बैम्बू का प्लांट भी गिफ्ट करते हैं। तो ये सबसे अच्छा गिफ्ट है किसी को देने के लिए। एक तो इससे प्रकृति के अंदर भी जो रचनात्मकता है वो भी बनी रहती है, और पॉजिटिविटी भी आएगी, आपके घर में भी पॉजिटिविटी आएगी, और अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उसके घर के अंदर भी पॉजिटिविटी जाएगी। तो जो बैम्बू प्लांट है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ऑस्पिशियस है, तो आप इसे अपने घर में जगह दे सकते हैं। तो ये थे कुछ प्लांट्स जिन्हें आप अपने घर के अंदर जगह दे सकते हैं फ्रेंड्स। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि कैसे पौधे जो हैं आपको घर के अंदर नहीं रखने चाहिए, जिससे कि नेगेटिविटी आती है। तो वास्तु के हिसाब से जिन पौधों में दूध निकलता, दूध मीन्स जैसे आप तोड़ेंगे उसके लीव्स को या फिर उसके स्टेम्स को, उसके कुछ भी एक हिस्से को तोड़ने के बाद अगर दूध निकला, तो उस पौधे को आप अपने घर के आसपास न रखें। इससे क्या होती है, नेगेटिविटी आती है, वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसे प्लांट हैं तो उन्हें आप अपने बगीचे में डाल सकते हैं, लेकिन जो घर का एरिया है अंदर आसपास में, आप उसको न रखें। गार्डन एरिया है बाहर, है आपके घर के बाहर गार्डन आपका है, तो आप ऐसे पौधे को उस जगह पे स्थान दें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ये थे कुछ पौधे हैं जिन्हें आप अपने घर में रख कर के प्रॉस्पेरिटी से अपने घर को भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी पौधे ख़राब या बुरे नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा का फ़र्क होता है। अगर घर के अंदर कुछ पौधे रखने वाले होते हैं तो उनके अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको हेल्थ के को बेनिफिट भी पहुँचाएँ। होप यू एंजॉय दिस वीडियो फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें फ्रेंड्स। और ये थे कुछ इंडोर प्लांट्स जो घर के अंदर लगा सकते हैं, जिससे आपके घर के अंदर जो है फ्रेंड्स पॉजिटिविटी आती है, और आपके घर के लोगों के अंदर पॉजिटिविटी को भरती है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें और अप्लाई दिस टिप्स टू मेक योर लाइफ बेटर। थैंक यू, बाय बाय।